क्या कहूँगा। कश्मीरियों के साथ गरीबों पर भी एक डेडलाइंस आती हैं और डेडलाइंस जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कल इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जहाँ बुलाई है तो हमारी पार्टी भी जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, सुनेगी उन्हें क्या कहना है, फिर अगर हमने कुछ कहना होगा हम भी कहेंगे वहाँ पे। और बताइए क्या चल रही है स्टेज पर? सोनिया गांधी वो 3,500 किलोमीटर चल गई है सर स्टेज पर सोनिया गांधी होगी। आपको 370 की इतनी फिक्र है? मुझे सवाल समझ नहीं आता है, भारत यात्रा किस लिए है? है जो मजहबों में यहाँ पे तफरका पैदा किया जा रहा है उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है कि हम सब लोग इकट्ठे रह सकें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब इकट्ठे रह सकें। यही तो यात्रा का फर्ज है, मर्ज है, उसका काम है, उसी लिए तो निकला है कि जो नफ़रतें बढ़ रही हैं उन नफ़रतों को कम किया जाए। अब कल ही देखिए एक एक को मुसलमान को पकड़ा और उसको मारा, वह मारते गए जब तक उससे कहा कि ये 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 बोलो। इन चीज़ों का चैलेंज है और बड़ी खुशी की बात है कि राहुल निकला है इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, इलेक्शन ही जो है वो लोगों की हुकूमत बनाता है और लोगों की मुश्किलों को दूर कर सकता है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कर सकता।